आज की सबसे बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। श्रीनगर में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। बीएसएफ कैंप के अंदर आतंकवादियों की इस वक्त भी मौजूदगी है। दो आतंकवादी छिपे हुए हैं जबकि एक को मार गिराया गया है। फिलहाल श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह 10 बजे उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव, आईबी चीफ, रॉ चीफ के अलावा गृह मंत्रालय के आला अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये जानकारी इस प्रकार है, कश्मीर में सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी। हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। बीएसएफ कैंप के अंदर आतंकवादी घुस जाते हैं, हालांकि एक आतंकवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, लेकिन दो और आतंकवादी अभी भी बीएसएफ कैंप के अंदर छिपे हुए हैं, जिनको मार गिराए जाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और इस खबर के सामने आने के बाद, हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है। हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह की ये बड़ी बैठक, जिसमें तमाम आला अधिकारी शामिल होंगे, इसमें रॉ के भी चीफ होंगे। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि आईबी चीफ के अलावा गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारियों की भी इस बैठक में मौजूदगी रहेगी। कश्मीर में सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाएगी। हमले के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। राजन सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, 10 बजे ये बैठक शुरू होगी? देखिए, नॉर्थ ब्लॉक में ये बैठक 10 बजे होगी, और क्योंकि इतना बड़ा हमला काफी दिनों के बाद हुआ है, और जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर है वो काफी संवेदनशील इंस्टॉलेशन है, क्योंकि उसी के अंदर एनआईए का हेडक्वार्टर भी है, और जो कि आतंकी फंडिंग और सेपरेटिस्ट फंडिंग की भी जांच कर रहा है। तो ऐसे में और एयरपोर्ट के नजदीक ये हमला बड़ी चूक माना जा रहा है, और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की जाएगी कि आखिर चूक कहां पे हुई और क्या और सुधार करने की जरूरत है। उस बैठक में तमाम चीजों की समीक्षा होगी। बैठक में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, और जो अब तक की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है वो भी गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी, और कहा जा रहा है कि कश्मीर की सुरक्षा को लेकर इसमें समीक्षा होगी, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था पिछले साल पिछले महीने यानी कि सितंबर में 19 तारीख को किस तरह से उरी में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।